सो अभी हो रहा है सुबह के 6:12 और सुबह सुबह उठना दिस इज लाइक समथिंग गुड एज कम्पेयर टू लेट नाइट सोना एंड लेट जल्दी ना उठना। सो अभी जल्दी रेडी होके जाना है, या तो टेस्ट होता है सुबह या फिर लाइब्रेरी जाना है, तो बहुत मेरे लिए बहुत ही प्रोडक्टिव रहता है अभी फिलहाल में, क्योंकि प्रीलिम्स ज़्यादा दूर नहीं है एंड सुबह आपकी एफिशिएंसी भी हाई रहती है और माइंड भी अच्छा काम करता है। गाइस वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सो ऑल द वीडियोज जो भी अपलोड करता हूँ एंड काफ़ी सारे कमेंट एंड यू नो मैसेज करने के लिए भी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है एंड मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ वो तुम लोग को दिखाना एंड उससे जो तुम मोटिवेट होते भी हो तो मुझे अच्छा भी लगता है कि चलो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और उसकी वजह से कुछ और भी हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। सो अभी हो रहा है अराउंड 6:40 और अभी भी यहाँ अंधेरा है, देखो दिखा दो, अभी भी यहाँ पे अंधेरा है। सो इस टाइम पूरा शेड्यूल चेंज हो गया और सुबह उठने का एक मेजर तुम लोग को बेनिफिट बताता हूँ, पूरा दिन लगता है कि अपने पास है एंड जितना भी तुम अगर इस डे वाइज इवन रात के 11 बजे तक अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, अगर तुम सुबह 6 बजे उठते हो 5:30 पे उठते हो तो भी 12 बजे सो के उठ सकते हो। मैं 1 बजे या 1:30 बजे के अराउंड सोता हूँ इस टाइम, फिर भी मैं 6 बजे के अराउंड उठ जाता हूँ और ये पहले मेरे साथ नहीं था, तो बहुत ही मेजर चेंज है एंड अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे तुम ट्राई करके देखो, कर लोगे, मैं कर सकता हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो। तो अभी चलते हैं लाइब्रेरी जाएंगे और वहाँ पढ़ाई करेंगे। सो यहाँ जो ORN में मेन स्ट्रीट है इसको अच्छा खासा डेकोरेट करके रखा है क्योंकि आज है प्राण प्रतिष्ठा, अच्छा लगता है कुछ कुछ ओकेजनली ये सब चीजें होती रहती हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा यहाँ पे सेलिब्रेशन यूनिटी ये सब देखने को मिलेगा और इतनी सुबह सुबह न्यूज़पेपर वाले भी भैया आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे ORN रहने का बहुत फायदा होता ही है और ये भंडारे के लिए चीज़ें रेडी हो रही है क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा है, तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा आज ओकेजन होने वाला है। तो मेरी एक कॉफ़ी और कॉफ़ी के लिए सुबह सुबह भी शॉप मिल जाती है आपको, तो आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, तो ये लेके मैं जाऊँगा लाइब्रेरी और वहाँ पर पढ़ाई अपना कंप्लीट करूँगा। तो सुबह सुबह उठना दिस इज़ लाइक सो गुड। 26 January विद PW स्टार्टिंग फ्रॉम 21 January PW ओनली एस लाया है रिपब्लिक डे ऑफर सारे UPSC एस्पिरेंट के लिए। 2024 आपका टारगेट ईयर है तो प्रीलिम्स इज नाउ वेरी नियर योर प्रीलिम्स रिवीजन और प्रैक्टिस ही गेम है, तो अगर आप अपने कंसेप्ट रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है तो PW ओनली एस लेकर आया है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जिसमें GS CSAT क्लासेस के साथ करंट अफेयर्स की भी क्लासेस और मटेरियल रहेगा। प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट ये इंग्लिश मीडियम में होगा और इसकी फीस 4000 से स्टार्ट होती है। रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम 2024 पर अगर आप यून लोगों में से हैं जिनको रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम जिसमें आपको डेली GS और CSAT के क्वेश्चन मिलेंगे और फिर GS पेपर का डिस्कशन होगा। डेली ऑल इंडिया रैंक से आप अपनी प्रिपरेशन का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें करंट अफेयर्स, इकोनॉमी सर्वे, बजट इन सबका टेस्ट मिलेगा और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए। इसकी फीस सिर्फ 3500 से स्टार्ट होती है। तो UPSC 2025 फाउंडेशन बैच ऑनलाइन, अगर आपका टारगेट ईयर 2025 है तो आपके लिए है फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 9999 में। इसमें संकल्प 2025 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है और टाइटन 2025 प्योर इंग्लिश में है। एंड ऑप्शनल 2024-25 की बात करूं तो आपका इनमें से कोई भी ऑप्शनल हो तो 7999 में आपको इसकी लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन और ऑप्शनल दोनों लेना है तो इसके कॉम्बो बैचेस अवेलेबल हैं 16499। इन सबसे अलग अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं 2-3 ईयर बाद UPSC अटेम्प्ट देंगे तो अभी से अपनी UPSC प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप UPSC प्रारंभ बैच में इनरोल कर सकते हैं जो कि एक 3 ईयर प्रोग्राम है जिसमें NCERT, GS ऑप्शनल, CSAT और सीरीज सब A to Z कवर होंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक खास फीचर है कि 2 ईयर में इसमें हार्ड से सॉफ्ट स्किल की भी क्लासेस होंगी जो आपको इंडस्ट्री रेडी भी बनाएगी। इन दिस कोर्स आपको मिल जाएगा 29999 में। वहीं अगर आपको इस UPSC जर्नी में और गाइडेंस की भी नीड फील हो रही है तो PW ONLY IAS का फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी है। एक ऑप्शन है करोलबाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ या पटना। अगर आप इनमें से कहीं भी रहते हैं तो आप इनके ऑफलाइन सेंटर पे जा सकते हैं। बाकी और डिटेल के लिए आप नीचे लिंक पे विजिट कर सकते हैं और अगर इनमें से किसी भी कोर्स को परचेस करते टाइम मेरा कूपन कोड NEE1 के आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो इफ यू आर फॉलोइंग मी सिंस आई स्टार्टेड, तो मैं पहले इकोनॉमी किया था एंड देन अभी बीच में पॉलिटी भी किया, देन अभी मॉडर्न हिस्ट्री। एंड इसके पहले जब मैं स्टार्ट किया था तो उस टाइम सबसे पहले इकोनॉमी या पॉलिटी ऐसे कुछ स्टार्ट किया था एंड दिस इज लाइक ए थर्ड और ये भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट जो भी प्रीलिम्स का जो पार्ट है वो मैंने
कवर किया है, एंड मेंस का जो पहले था वो मैंने कवर किया था, बट अभी टोटली जो प्रीलिम्स का जो पार्ट है वही कवर कर रहा हूँ। एंड दिस इज सो गुड बुक, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो स्पेक्ट्रम पढ़ लो। इवन उसके पहले आप हिस्ट्री का जो भी एनसीईआरटी आता है 12th क्लास की थीम बुक जो आती है एंड बेसिक जो बुक आती है वो कंप्लीट कर लो, वहां से आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एंड देन स्पेक्ट्रम जो स्टार्ट करना चाहते हैं, अदरवाइज जो पढ़ते हैं उनको आइडिया है कि स्पेक्ट्रम दिस इज सो गुड, एंड कुछ क्वेश्चन कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग वन सेशन आई जस्ट केम आउट एंड देगा अच्छा खासा माहौल बन रहा है, एंड आज प्राण प्रतिष्ठा तो मे बी बहुत सारा यू नो यहाँ पे पांडाल एंड यू नो जो फूड बांटते हैं लोग खाने पीने के लिए चीज़ें ये सब लगेगा और हर जगह, तो माहौल बहुत ही अच्छा है। एंड देखते हैं कि मैं कुछ पार्ट यहाँ कवर कर पाता हूँ कि नहीं। एंड अभी तो सुबह का टाइम है, 8 या 9 बज रहा है, बट अभी अल्टीमेटम देखते हैं इवनिंग टाइम में या फिर दोपहर के टाइम में अच्छा खासा होगा, तो एकदम पूरा फ्लैग एंड ऑल दिस वे सब चीज़ें यहाँ पे अच्छे से सजा गए। तो एंड देन बैक टू लाइब्रेरी, एंड पूरा दिन का सेशन मेरा ऐसे ही जाता है, 3 से 4 सेशन में कंप्लीट करता हूँ, एंड उसमें मैं अपने टेस्ट की पढ़ाई कर लेता हूँ, मे बी सी सेट थोड़ा कर लेता हूँ एंड करेंट अफेयर्स अगर हो पाता है देन। तो फिलहाल अभी ऐसा ही चला, और एक सब्जेक्ट वन टाइम या दो सब्जेक्ट वन टाइम लेके, 3 या 4 सब्जेक्ट लेके नहीं। तो जो मेरे से पूछ रहे थे कि एक बार मैं क्या 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट कंप्लीट करूं, तो नहीं, मतलब मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। इफ़ यू गाइस कैपेबल कि आप कर सकते हो देन श्योर आप कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से दो सब्जेक्ट एंड अगर करंट अफेयर्स कर रहे हो एंड साथ में सी सेट भी थोड़ा बहुत कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, कभी कभी चीज़ें बहुत हेक्टिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम लोग कोशिश करने लगते हैं यार कि ये भी कर लो वो भी कर लो, लेकिन होता कुछ नहीं है, हम फंस जाते हैं। तो अभी मैं दो बुक, एक तो ये शायद पी डब्ल्यू ओनली है, इसका मैंने एक बहुत पहले लिया था, तो इसमें एक बहुत शॉर्ट नोट में दिया हुआ है और मैं एक्चुअली स्पेक्ट्रम से पढ़ रहा हूँ, तो कुछ पार्ट मैं यहाँ से उठा के मेंशन कर लेता हूँ वहाँ पे, क्योंकि प्रीलिम्स में ये बुक मेरे से बार बार पढ़ा नहीं जाएगा, ये छोटी बुक रहेगी, पतली कॉन्साइज रहेगी, तो इसको मैं कंप्लीट कर लूँगा जल्दी में। एंड लिटरली पढ़ने का मेन चैलेंज अब भी नहीं होता, जब प्रीलिम्स पास में आ जाता 15 दिन 20 दिन या 1 महीने बचे होते हैं तो उस टाइम पैनिक बहुत करने लगते हैं, एंड इतनी मोटी मोटी बुक लाइक लक्ष्मीकांत इफ यू सी एंड मॉडल जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है और भी सारी बुक, तो बुक छूने का आपको मन नहीं करता। तो आई ऑलवेज सजेस्ट इवन आई डू कि जितना कॉन्साइज वे में शॉर्ट नोट कुछ का बना सकते हो, जो आप बार बार बोलो, एक्चुअली जो चीज़ आपको याद रहती है एटलीस्ट 90% तो आप उसका मत बनाओ, लेकिन जो आप बार बार भूल जाते हो टेस्ट द टाइम जो गलती करो एटलीस्ट उसका जरूर बना लो, क्योंकि वो बहुत काम आएगा आगे। सो अभी पूरा डे 4 से 5 सेशन का होता है, एंड सुबह जितना जल्दी आओ उतना 11-12 बजे तक आपका इनफ पढ़ाई हो जाता है। अगर सुबह बैठ जाते हो पढ़ने तो मैं लिटरली लिख के दे सकता हूँ कि तुम लोग 8 घंटे से ज़्यादा ही मैक्सिमम टाइम बैठ के पढ़ सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा तुमने इधर उधर टाइम पास नहीं किया। तो अपने टाइम को, अपने डे को, हर एक शेड्यूल को, अपने जो भी सब्जेक्ट है प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड करो कि यार किसको कितना टाइम देना है और क्या कुछ छूट रहा है, क्या जिस पे तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है। तो कभी कभी जो हमारा स्ट्रांग पॉइंट नहीं होता उसको हम ध्यान नहीं देते या ज़्यादा टाइम नहीं देते, तो वही फंस जाता है। लाइक मेरा ऐसा सीन था कि पॉलिटी बहुत अच्छा था, इवन हिस्ट्री भी मॉडर्न भी बहुत अच्छा था, लेकिन क्वेश्चन मैंने गलत करके आए थे। तो कभी कभी होता है कि टेस्ट ऐप पे आप कम देते हो या आप उस चीज़ को एनालिसिस नहीं करते, तो ये चीज़ें टेस्ट देने से आ जाता है। तो आई सजेस्ट कि अभी पीडब्ल्यू का जो भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ या तो उसका ज्वाइन कर लो, अफोर्डेबल है। इफ़ अगर उनका अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो या नहीं कहीं दूर हो नहीं हो पा रहा है, तो किसी भी कोचिंग का मार्केट से ले आओ, कहीं से भी ला के टेस्ट सॉल्व करोगे देन यू विल रियलाइज कि लिटरली कहाँ पे ज़्यादा गलत हो रही है और कहाँ ज़्यादा तुम्हें करेक्शन करने की ज़रूरत है। और कुछ दिन से यार मेरा नेक पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंड मे बी मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा होने लगता है। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, इसके पहले पिछले साल भी नेक पेन हो रहा था एंड तब भी मैं दवा हुआ लिया था, और इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि अभी ज़्यादा हो रहा है, और अभी भी तीन चार यू नो महीने हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है, एक्स्ट्रा फोकस करना है। तो वो चीज़ें दिमाग में है कि यार अभी इतना ज़्यादा हम सस्टेन नहीं कर सकते, तो अभी दवा वा ले लेंगे फिर से, क्योंकि फिर इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, पढ़ाई में बिल्कुल लिटरली कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर आप इन हो तो जितना एफर्ट डाल सकते हो डालो, जितना कर सकते हो करो, इवन अपने आप को चैलेंज करो, कंफर्ट से बाहर निकलो। इवन मैंने अपना शेड्यूल चेंज किया, टाइम चेंज किया, जो कि मेरे लिए उस टाइम पे बहुत ही इम्पॉसिबल सा लग रहा था। तो पूरे दिन की पढ़ाई, अपना जो भी शेड्यूल एंड जैसा भी लाइफस्टाइल चल रहा है, आई ऑलवेज गाइस बताता हूँ तुम लोग को, एंड होप तुम लोगों को कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से सीखने को मिल जाता होगा। और अब तुम्हारी काम की कुछ भी पॉइंट हो जरूर उसको तुम लोग अपने डायरी में कहीं मेंशन कर लिया करो एंड उस पर ज़्यादा फोकस किया करो। सो गाइस इस वीडियो में इतना रखता हूँ, होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड कुछ भी फीडबैक होता है, कुछ भी कमेंट होता है, कुछ भी सवाल होता है, क्वेश्चन होता है, मुझे टेलीग्राम एंड कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो।
सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग योर लव एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू सून गाइज. बाय. टेक केयर.